हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग में। फ्रेंड्स, मैं आज एक साइट पे हूँ और इस पे मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि जो साइट पे प्रैक्टिकल वर्क होता है उसमें कौन कौन सी गलतियाँ कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी और ऐसी गलतियाँ हैं जो बाद में सुधर सकती है लेकिन फिर भी उनकी वो मजबूती नहीं आ सकती। जैसे कि मैं आपको बैक कैमरे से अभी दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, बेसिकली ये हमारे पास एक कॉलम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कॉलम में इन्होंने किए क्या हैं, जब कॉलम बना है तो यहाँ पर इनको टाचे मारना चाहिए था। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको पहले कि पूरा बिल्कुल प्लेन है, बहुत ही अच्छे तरीके से निकला हुआ है। अगर हम इस पे जैसे प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर करते समय हमको ये समस्या आएगी कि प्लास्टर अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा इसको, और प्लास्टर जब पकड़ेगा नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं प्लास्टर करने में हमको। तो इस कारण जैसे आप अगर इसको निकालते हैं तो सबसे पहले इस पे तो या तो आप कुछ हिसाब से रफ़ कर लीजिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं। और दूसरा सेकंड ये है कि इस पे अगर आप कुछ गड्ढे कर देते हैं किसी भी चीज़ से, हथौड़े से या फिर टाचे टाइप मार देते हैं, तो इसमें जो पकड़ है आपकी वो प्लास्टर की बहुत अच्छी आ जाएगी, क्योंकि ये इतना फिनिश निकला है कि इन्होंने सभी जगह ये गलती की है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह की है, ये भी देख लीजिए आप, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल परफेक्ट निकला है। मतलब लोगों को ये लगता है कि अगर ये परफेक्ट निकला है मतलब बहुत सही है, लेकिन ये आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको परफेक्ट निकलने के बाद आपको या तो आप किसी भी चीज़ से इनको टाँचे बना सकते हैं या फिर आप इनको थोड़ा रफ़ कर सकते हैं। अब इसमें ये चीज़ एक गलत है, इसका मैं आपको एक सही बताता हूँ दूसरी साइड पर। अभी जैसे कि ये एक दूसरी साइड है, यहाँ पर ये दूसरी जगह वर्क चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर ने जो है, ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ किया है कि कुछ इस टाइप से ये कॉलम में ये कुछ स्क्रैचेस टाइप से चला दिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस टाइप से आप अगर जैसे कर देते हैं तो अब यहाँ पर जो प्लास्टर की मजबूती है, ये देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी आएगी। लेकिन इन्होंने अब देखिए गलती किए क्या है, मैं आपको ये इनकी गलती बताता हूँ कि जैसे कि उस जगह पर उन्होंने कॉलम की गलती किए थे और इस जगह पर इन्होंने ये गलती की है कि जो ब्रिक वर्क है, ये देखिए इनका जो ब्रिक वर्क है, यहाँ पर इन्होंने किसी भी चीज़ से या तो किसी बोरे से या फिर जो सीमेंट के बैग आते हैं उससे इन्होंने किए क्या है कि पूरा घिस चुके हैं। अब यहाँ पर जब इन्होंने इतना क्लीन घिस चुके हैं तो यहाँ पर गैप ऑलरेडी नहीं बचा है ब्रिक वर्क में। ये देखिए जब ऑलरेडी गैप नहीं बचा है तो तकलीफ ये आएगी कि यहाँ पर जब प्लास्टर करेंगे तो प्लास्टर बहुत अच्छी तरीके से पकड़ नहीं पाएगा, अगर जहाँ पर आपने बिल्कुल फिनिश कर दी है तो। लेकिन जो कॉलम का वहाँ पे गड़बड़ था उस साइड पे अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पर ये चीज़ एक बहुत अच्छी है कि यहाँ पर इन्होंने बोरियाँ नहीं चलाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सारे गैप्स है, जब प्लास्टर होगा अगर यहाँ पर तो प्लास्टर बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। यानी कंक्लूज़न ये है इसका कि यहाँ पर इन्होंने जो गलतियाँ किए हैं वो किए हैं कॉलम में, इनने टाचे नहीं मारे यानी स्क्रैचेस नहीं चलाए, लेकिन जो ब्रिक वर्क है ब्रिक वर्क इनका बराबर हुआ है। लेकिन अगर उस साइड की बात करें जो इसके साइड में है, वहाँ पर कॉलम सही दिए हैं और ब्रिक वर्क के समय उन्होंने गलतियाँ की हैं, तो ये गलतियाँ आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।